नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो Realme U1 के लिए जो है फरवरी का OTA अपडेट Realme के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। फिलहाल दो महीनों के बाद जो है हमें Realme U1 में कोई अपडेट जो है देखने को मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर जो है इस अपडेट के साथ हमें जो है अपडेट किए गए हैं, और एक नया सरप्राइज एलिमेंट भी इस अपडेट के साथ जो है डिवाइस में ऐड कर दिया गया है। तो सब कुछ जानने के लिए आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो दोस्तों, इस अपडेट के साथ जो है Realme 1 के लिए भी जो है फरवरी का OTA अपडेट रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और उसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको जो है आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वर्जन की बात करें तो ये है RMX 1831EX_11_C.17। तो इस वर्जन के साथ जो है Realme U1 में जो है हमें फरवरी OTA अपडेट जो रिलीज किया गया है। और इसके बाद हम सिक्योरिटी पैच की बात करें तो इसमें जो है फरवरी का सिक्योरिटी पैच जो अपडेट कर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहले जो है दिसंबर के सिक्योरिटी पैच पे ही रन कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें अपडेट जो है हमें दिसंबर में ही देखने को मिली थी। तो अब जो है ये डायरेक्टली फरवरी के सिक्योरिटी पैच पे रन करेगा। और इसके बाद हम एक स्पेशल फीचर की बात करें तो ये है VO Wi-Fi कॉलिंग सर्विस का फीचर, जो कि एयरटेल एंड जियो के लिए जो है Realme U1 में अपडेट कर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप अब सरप्राइज भी हुए होंगे कि जैसा कि आप जानते थे कि इसमें जो है हमें मार्च में ये अपडेट जो देखने को मिलने वाला था, कि मार्च में आपके डिवाइसेस में जो है ये अपडेट यानी कि VO Wi-Fi का फीचर जो ऐड किया जाने वाला था। लेकिन अपने डिवाइस Realme ने अपने पुराने डिवाइसेस को जो है प्रायोरिटी पे रखा और जो है पहले ही इन डिवाइसेस में ये अपडेट जो है हमें देखने को मिल गया है। तो Realme ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपने पुराने डिवाइस में ये अपडेट जो है सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया गया है। और उसके बाद हम एक मेन फीचर की बात करें तो ये भी इसमें जो है ऐड कर दिया गया है, और ये है हॉटस्पॉट स्पीड लिमिट का। यानी कि जब भी आप अपना हॉटस्पॉट या वाईफाई किसी को जो है प्रोवाइड करते हैं डाटा यूज करने के लिए, तो अब जो है आप अपने हॉटस्पॉट की स्पीड पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और आप इसमें सेट कर सकते हैं कि अपने जो है यूजर को कितना डाटा जो है कितनी स्पीड पर जो है प्रोवाइड करना है। तो ये फीचर भी इसमें जो है अब ऐड कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक फाइनल फीचर भी इसमें ऐड किया गया है, और वो है स्वाइप अप गैजेट्स का फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड से आपको जो है अब स्वाइप अप गैजेट्स जो है अपने Realme U1 में देखने को मिल जाएंगे। अब आप जो है अपने स्वाइप अप गैजेट्स के थ्रू जो है अपने कुछ काम जो है कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके रोल आउट के बारे में बात करें तो ये अभी बैच वाइज रोल आउट में जो है शुरू कर दिया गया है। यानी कि कुछ यूजर्स को ये अपडेट जो है अभी आने वाले एक दो दिनों में देखने को मिल जाएगा, और बाकी सभी यूजर्स को जो है आने वाले एक से डेढ़ हफ्ते में ये अपडेट जो है कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स Realme U1 के अपडेट के रिगार्ड जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिए। बहुत अच्छे अपडेट्स जो है हमें इस अपडेट के साथ जो है Realme U1 में देखने को मिलते हैं, और जो कि एक मेन फीचर था Realme VO Wi-Fi कॉलिंग सर्विस का, तो वो भी सबसे पहले जो है इस डिवाइस में ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, बस और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।